दोस्तों, अग्निसूर सीजन 2 का यह लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरा जरूर देखें। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी अग्निसूर से बचने के लिए बाबा के आश्रम जाने लगते हैं, जहां अग्निसूर गुप्ता जी और मिश्रा जी को घेर लेता है। अग्निसूर के वार से मिश्रा जी नीचे गिर जाता है, लेकिन मिश्रा जी घायल होने का नाटक करता है और अग्निसूर को बेवकूफ़ बनाकर निकल जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को आश्रम में ढूंढते हैं, लेकिन वह वहां नहीं होते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो अग्निसूर दोनों को आग में जलाने की कोशिश करता है। तभी वहां रॉड आ जाता है, लेकिन अग्निसूर तीनों को घायल कर देता है और तभी एक और अग्निसूर वहां आ जाता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। अग्निसूर के जैसा एक और अग्निसूर को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं। गुप्ता जी, ये क्या, हम लोग तो एक अग्निसूर को हरा नहीं पा रहे हैं और ये दूसरा अग्निसूर यहाँ टपक पड़ा है। अब तो पक्का मरने वाले हैं हम सब। मिश्रा जी, आपने सही कहा, लेकिन ये दूसरा अग्निसूर कौन हो सकता है? रुक जाओ अग्निसूर, तुम गलत कर रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और आप मेरे दुश्मन को क्यों बचा रहे हो? अग्निसूर मेरे भाई, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। आपको याद नहीं है शायद, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मुझे सब याद है। इन्हीं के बाप ने मेरे पिता की हत्या की थी और मैं उसी का बदला इन दोनों से ले रहा हूँ। नहीं अग्निसूर, ऐसा मत करो, ये दोनों निर्दोष है, इन्हें जाने दो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड तीनों उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं कि यह दूसरा अग्निसूर उस असली अग्निसूर का भाई है और उन्हें बचाने यहाँ आया है, इसलिए तीनों अग्निसूर के भाई के पीछे छिप जाता है। हट जा भाई, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तुम्हारी सभी अग्नि शक्ति छीन ली थी, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी जान भी ले लूंगा। तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मेरे रहते गुप्ता जी और मिश्रा जी का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तो ठीक है, इन सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। अग्निसूर और उसके भाई के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। अग्निसूर अपने बल की शक्ति से अपने भाई को खूब मारता है, क्योंकि उसका भाई कमजोर होता है, इसलिए वह आसानी से मार खाता रहता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे ज्यादा समय तक तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। गुप्ता जी, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना अग्निसूर हम लोगों को मार डालेगा। नहीं मिश्रा जी, यदि हम दोनों यहाँ से भाग गए तो अग्निसूर अपने भाई को मार डालेगा, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। तब क्या करें गुप्ता जी, आप ही कुछ बताइए। गुप्ता जी थोड़ा सोचते हैं और एक योजना बनाते हैं। रॉड, यदि तुम अपने नाइट्रोजन गैस से अभी हमला करोगे तो शायद अग्निसूर का ध्यान भटकेगा और फिर उसका भाई अग्निसूर को सबक सिखा सकता है। गुप्ता जी की बात मानते हुए रॉड तुरंत अपने नाइट्रोजन गैस से अग्निसूर पर हमला कर देता है। नाइट्रोजन गैस के हमले से अग्निसूर का ध्यान भटकता है और अग्निसूर का भाई अग्निसूर पर हमला करता है। रॉड अपनी पूरी ताकत से अग्निसूर पर नाइट्रोजन गैस से हमला कर रहा था, जिसके चलते अग्निसूर की गर्मी कम होने लगती है और इसलिए अग्निसूर तुरंत वहां से भागने लगता है। अग्निसूर को भागते देख मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं और सबको लगता है कि अग्निसूर वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक अग्निसूर रुक जाता है। अग्निसूर वापस धीरे धीरे फिर से गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आने लगता है। गुप्ता जी, ये क्या, अग्निसूर तो वापस इधर ही आ रहा है। पता नहीं मिश्रा जी, अग्निसूर को अचानक क्या हुआ जो वापस इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वह अग्निसूर के भाई से पूछता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अग्निसूर अपना सबसे खतरनाक वार करने वाला है। अग्निसूर के भाई की बात सुनकर मिश्रा जी डर से घबरा जाता है। मिश्रा जी, जरा अपने सामने तो देखिए। ओम भट स्वाहा। ये क्या हो रहा है गुप्ता जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लगता है हम सब मरने वाले हैं।
मिश्रा जी, डर तो मुझे भी लग रहा है और अब हमें सच में यहाँ से भागना ही होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। अग्निसूर रुक जाओ, ऐसा मत करो। अब दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अग्निसूर का इशारा मिलते ही दोनों सिर एक एक करके अग्निसूर से अलग हो जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। हट जा मेरे सामने से, वरना तुम भी मरोगे। अग्निसूर के चेतावनी देने के बाद भी उसका भाई हटता नहीं है, इसलिए अग्निसूर अपनी पूरी ताकत से वार करता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी, ये क्या बला है, हमारा पीछा तो छोड़ ही नहीं रहा है ये दोनों दैत्य। मिश्रा जी, रुकना नहीं है वरना मारे जाएंगे, ये दोनों अग्निसूर से भी ज्यादा खूंखार लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। गुप्ता जी, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे भागा नहीं जाएगा, आप दोनों अपनी जान बचाइए। नहीं मिश्रा जी, रुकिए मत, भागिए जल्दी से वरना अग्निसूर का गुलाम आपको मार डालेगा। नहीं हो पाएगा अब हमसे, आप लोग अपनी जान बचाइए। मिश्रा जी इतना ज्यादा थक जाता है कि वह वहीं नीचे गिर जाता है। रॉड, हमें ही कुछ करना होगा वरना वो दोनों मिश्रा जी को मार डालेगा। अग्निसूर का गुलाम जैसे ही मिश्रा जी को जलाने वाला होता है, तभी रॉड अपनी नाइट्रोजन गैस से उस वार को रोक देता है। गुलाम का वार असफल होने पर दोनों अपने बिजली वाली शक्ति से हमला करता है, जिससे रॉड वहीं घायल होकर बेहोश हो जाता है। रॉड के बेहोश होते ही अग्निसूर के गुलाम मिश्रा जी को आग से जलाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां अग्निसूर का भाई आ जाता है। अग्निसूर के भाई के पास शक्ति ना होने के कारण वह आग को ज्यादा सह नहीं पाता है, इसलिए वह दर्द से तड़पने लगता है। तभी वहां अग्निसूर भी आ जाता है और यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वह तुरंत अग्निसूर से प्रार्थना करने लगता है कि वह अपने भाई को छोड़ दे, लेकिन वह गुप्ता जी की बात नहीं मानता है। गुप्ता जी, अब तुम सब मरोगे। गुप्ता जी बहुत निराश हो जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं, लेकिन तभी कोई अग्निसूर के गुलाम पर हमला करता है। अपने गुलाम पर हमला होता देख अग्निसूर को बहुत गुस्सा आ जाता है। किसने मेरे गुलाम पर हमला किया, हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ, आज उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। अग्निसूर अपने चारों तरफ देखता है, तभी उसे बाबा और जम्पर उसकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये काम तुम्हारा है बाबा, अब बचोगे नहीं। बाबा और जम्पर को अपनी तरफ आता देख गुप्ता जी और मिश्रा जी खुश हो जाते हैं। अग्निसूर, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे झुनझुन बाबा आ गए हैं। गुप्ता जी, तुम्हारे झुनझुन बाबा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अग्निसूर और उसका गुलाम एक साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करता है, लेकिन बाबा अपनी शक्ति से उन तीनों का वार विफल कर देते हैं। अग्निसूर, तुमने फिर से गलती कर दी यहाँ आने की, लेकिन अब पिछले बार की तरह तुम बचोगे नहीं। इतना आसान नहीं है बाबा, मैं पिछले बार से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और इस बार मेरी ही जीत होगी। अग्निसूर बाबा पर हमला करता है, लेकिन बाबा अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देते हैं। अग्निसूर का वार विफल होने पर वह अपने दोनों गुलाम को इशारा करता है। इशारा मिलते ही दोनों बाबा को घेर लेता है और हमला करता है, लेकिन बाबा पहले से सुरक्षा कवच बनाए हुए रहते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ नहीं होता है। बाबा, अब बच के दिखाओ। अग्निसूर अपनी शक्ति से एक घातक हमला करता है, जिसके वार से बाबा का कवच टूट जाता है और सीधे उनके शरीर पर लगता है। अग्निसूर के घातक हमला से बाबा घायल हो जाते हैं। क्यों बाबा, मैंने कहा था ना, इस बार मेरी जीत होगी। अग्निसूर, तुम्हें लगता है तुम जीत गए, जरा पहले अपने आप को रॉड से बचा लो। अग्निसूर जैसे मुड़कर देखता है तो रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से हमला कर देता है। रॉड के हमले से अग्निसूर कमजोर होने लगता है और दर्द से तड़पने लगता है।
अग्निसूर को दर्द से तड़पता देख उसके गुलाम उसे बचाने जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी जंपर इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उन दोनों का अंत कर देता है। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे रॉड से बचा लो। लगातार रॉड के वार से अग्निसूर की शक्तियाँ बहुत कमजोर होने लगती है और तभी अग्निसूर का भाई रॉड के पास आ जाता है। रॉड इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा, इसे माफ कर दो। अग्निसूर का भाई रॉड से बहुत निवेदन करने लगता है, इसलिए रॉड अग्निसूर को छोड़ देता है। रॉड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नहीं चाहता मेरा भाई मर जाए। अग्निसूर तुमने देखा, तुम जिसे मारना चाहते थे वो ही तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम अभी के अभी अपनी शक्ति अपने भाई को वापस लौटाओ। अग्निसूर तुरंत अपनी सारी शक्तियाँ अपने भाई को दे देता है। अग्निसूर तुम अपने भाई की वजह से बच गए, अब याद रहे यदि वापस तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें मौत मिलेगी। अग्निसूर का भाई अग्निसूर को अपने साथ ले जाता है और इस प्रकार अग्निसूर का सीजन 2 समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अग्निसूर सुधर जाएगा क्या, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।